please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस एड्रियल टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो पर हमने सीखा था एडोबी फोटोशॉप पर किस तरीके से किसी भी इमेज को हाफ ड्रेस किस तरीके से चेंज करते हैं, और आज के वीडियो पर हम लोग जानने वाले हैं एडोबी फोटोशॉप पर ही किस तरीके से फुल ड्रेस चेंज करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरे पास एक इमेज है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये इमेज पर मैं यहाँ पर फोटोशॉप पर सबसे पहले इंसर्ट करूँगा इस इमेज को। यहाँ पर देखिए, इस इमेज को मैं यहाँ पर ड्रेस चेंज करूँगा। ड्रेस चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इस इमेज को फोटोशॉप पर इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से ड्रॉप ड्रैग करता हूँ यहाँ पर, देखिए। देन उसके बाद इस फोटोज़ को मैं सबसे पहले थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लेता हूँ। एडिटिंग करने के लिए मैं सबसे पहले इसको ऑटो लेवल पर लगा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इमेज पर क्लिक करता हूँ और एडजस्टमेंट पर क्लिक करता हूँ। एडजस्टमेंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ऑटो लेवल पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ऑटो लेवल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इस तरीके से बड़ी आसानी से यहाँ पर फोटोज़ का लाइटिंग वगैरह चेंज हो चुका है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करता हूँ। फिल्टर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, मैं यहाँ पर एक फिल्टर यूज़ कर लेता हूँ, नॉइज़ वर प्रोफेशनल। मेरे पास एक फिल्टर है दोस्तों, ये नॉइज़ वर बोलकर, मैं इसी वाले फिल्टर को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इस इमेज पर जहाँ पर जितना पर यहाँ पर दाग धब्बा था वो बड़ी आसानी से इस फिल्टर से रिमूव हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए, बिफोर आफ्टर इस तरीके के यहाँ पर क्लीनिंग हो चुका है। दोस्तों, फिनिशिंग आ चुका है। इस फिनिशिंग को आप थोड़ा सा नीचे और बड़ा भी कर सकते हो, थोड़ा सा बड़ा और ज़्यादा भी कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ पर देखिए, फेड है दोस्तों, एडिट के ऊपर फेड नॉइज़ वर है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आप जो भी फिल्टर पर यूज़ कर रहे हो उसी फिल्टर को यहाँ पर एडिट पर यहाँ पर फेड बन जाता है। दोस्तों, इसको आप जितना ज़्यादा कम बड़ा कर सकते हो बड़ी आसानी से। मैं इसको थोड़ा बहुत 81 के आसपास कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए, बड़ी आसानी से यहाँ पर थोड़ा बहुत फोटोज़ का एडिटिंग हो चुका है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा लाइटिंग लगा देता हूँ। कंट्रोल एम करता हूँ, यहाँ पर देखिए, इमेज पर जाकर कॉप्स पर जाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एडजस्टमेंट पर क्लिक करते हुए कॉप्स पर, देन उसके बाद इसको थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह बढ़ा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर दोस्तों, कुछ इस तरीके से फोटोज़ का फिनिशिंग आ चुका है। देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर दोस्तों इसको कटिंग कर लेता हूँ। कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मैजिक टूल यूज़ करता हूँ। दोस्तों, एक ही कलर का बैकग्राउंड है तो बड़ी आसानी से आप मैजिक टूल यूज़ करते हुए कटिंग कर सकते हो। आप डिफरेंट कलर का बैकग्राउंड है तो आप पेन टूल वगैरह वगैरह यूज़ कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो उसके बाद मैं यहाँ पर इस तरीके से मैजिक वैन टूल यूज़ करता हूँ। आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो। दोस्तों, क्रॉप करने के लिए सिंपली रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल पर क्लिक कर लीजिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, इमेज पर क्लिक करता हूँ, और इमेज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए, क्रॉप का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों, इमेज बड़ी आसानी से यहाँ पर क्रॉप हो चुका है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर इसको कटिंग कर लेता हूँ। कटिंग करने के लिए सिंपली मैजिक वैन टूल यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर इस तरीके से शिफ्ट होल्ड करते हुए इस तरीके से सेलेक्शन कर लेता हूँ बड़ी आसानी से। यहाँ पर देखिए, आप जितना चाहिए उतना यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हो। आपको जितना पसंद है उतना आप यहाँ पर सिलेक्शन कर लेता हूँ, कर सकते हो। मैं थोड़ा बहुत इतना ही कर लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पर पेन टूल यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरीके से बड़ी आसानी से मैं यहाँ पर सिलेक्शन कर रहा हूँ इस तरीके से। एंडिंग कर लेता हूँ। एंडिंग करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप राइट क्लिक कर लीजिए। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए मेक सेलेक्शन पर। मेक सेलेक्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप जीरो ही कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए, ऑपरेशन पर, यहाँ पर देखिए ऑपरेशन का ऑप्शन है। आप यहाँ पर एड टू सेलेक्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप लोग ओके पर क्लिक कीजिए। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इतना ही सिलेक्शन हो जाता है। जितना आपको चाहिए उतना ही सिलेक्शन हो जाता है। देन उसके बाद आप लोग यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल आई करते हुए इन्वर्स कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, चारों तरफ से यहाँ पर सिलेक्शन है। इसको सिलेक्शन नहीं करने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट पर जाकर आप इन्वर्स भी कर सकते हो, और आप शॉर्टकट शिफ्ट कंट्रोल आई यूज़ भी कर सकते हो। देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर देखिए, इस तरीके से सिलेक्शन हो चुका है। आप यहाँ पर बड़ी आसानी से इस इमेज को ड्रेस चेंज कर सकते हो दोस्तों। देन उसके बाद आप लोग यहाँ पर एक पेज क्रिएट कर लीजिए। आपको जितना पर प्रिंट करना है उतना ही आप पेज सेलेक्ट कर सकते हो। मैं सिंपली कंट्रोल एन करता हूँ। कंट्रोल एन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए, न्यू का ऑप्शन है। मैं यहाँ पर विथ इंचेस पर ले लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इंचेस पर लेने के बाद दोस्तों, मैं यहाँ पर 12x18 का पेजेस ले लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, 1 फीट बाई 1.5 फीट का रेजोल्यूशन 300 रख लेता हूँ। आप जितना चाहिए उतना रख सकते हो रेजोल्यूशन, 150, 200 जितना चाहिए ले सकते हो। ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पेज रेडी होकर तैयार हो चुका है। देन उसके बाद इस इमेज को आप यहाँ पर बड़ी आसानी से इस तरीके से
ड्रैग कर सकते हो, यहाँ पर देखिए इस इमेज यहाँ पर आ चुका है। देन उसके बाद इसको आप जितना चाहिए उतना एडिट कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर देखिए मेरे पास एक ड्रेस सेंस का ड्रेस का ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ड्रेस का कलेक्शन, ढेर सारे कलेक्शन है मेरे पास। मैं इसी वाले कलेक्शन पर एक इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसी वाले सारी इमेज को यहाँ पर सिलेक्शन कर लेता हूँ और इस तरीके से फोटोशॉप पर इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर जितना पसंद है, आपको जो भी पसंद है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसी वाले ड्रेस को यहाँ पर सिलेक्शन कर लेता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरीके से इनपुट कर लेता हूँ। इनपुट करने के बाद दोस्तों इस इमेज को मैं नीचे की तरफ ले लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, और इसको मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर हाइट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। देन उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल टी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, और इसको मैं ऑन हाइट कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए इसको मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर लेता हूँ, यहाँ पर सेट कर लेता हूँ इस इमेज को। लिए सेट करने के लिए सबसे पहले आप इस इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल टी कर लीजिए फ्री ट्रांसफॉर्म। देन उसके बाद इसको छोटा सा कर लीजिए कुछ इस तरीके से। छोटा करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं इसको यहाँ पर फिट कर रहा हूँ बढ़िया आसानी से, यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं फिट कर रहा हूँ। कंट्रोल टी करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और यहाँ पर सेट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ और यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, देन उसके बाद इस स्किन कलर और यहाँ पर फेस कलर यहाँ पर मैच कर लीजिए। मैच करने के लिए आप यहाँ पर मैं कंट्रोल एम करता हूँ और इसको थोड़ा सा लाइट बढ़ा लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर ओके कर लेता हूँ। देन उसके बाद कंट्रोल बी कर लेता हूँ और यहाँ पर एडजस्टमेंट पर क्लिक करते हुए आप कलर बैलेंस भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मैं इसको कलर बैलेंस थोड़ा सा रेड इंक्रीज कर लेता हूँ, थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ रेड, और यहाँ पर येलो को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। देन उसके बाद इसको भी थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से एडजस्ट हो रहा है। देन उसके बाद मैं कंट्रोल एल प्रेस कर लेता हूँ लेबल। आप इमेज पर क्लिक करते हुए, एडजस्टमेंट पर क्लिक करते हुए लेबल पर क्लिक कर सकते हो। देन उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा वाइट की तरफ धकेल देता हूँ कुछ इस तरीके से, वाइट इंक्रीज कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, और इसको भी थोड़ा सा लाइटिंग बढ़ा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ मैं। आप जितना पसंद है आपको इमेज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद मैं फिर से कंट्रोल एम करता हूँ क्रॉप्स। देन उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ यहाँ पर देखिए। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए बड़ी आसानी से स्किन और यहाँ पर मैच हो चुका है। देन उसके बाद इसको आप मैच कर लीजिए स्किन और फेस के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर इमेज लेयर यहाँ पर देखिए लेयर टू को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पर इरेजर टूल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जितना पार्ट यहाँ पर आउट ऑफ एरिया पर आ चुका है इसको मैं यहाँ पर सबसे पहले रिमूव कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से इरेजर टूल से, और इसको भी यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ। देन उसके बाद आप यहाँ पर ब्रश इरेजर टूल ही यूज़ कर लीजिए और यहाँ पर लेबल पर क्लिक कर लीजिए। देन उसके बाद आपको ब्रश साइज यहाँ पर हार्डनेस आप यहाँ पर 300 का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो इस वाले ब्रश को। देन उसके बाद फिर से यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्शन कर लीजिए और इस तरीके से इस इमेज का आप सिलेक्शन कर लीजिए इस तरीके से बड़ी आसानी से। यहाँ पर देखिए मैच हो रहा है यार, आसानी से इस तरीके से रिमूव कर लीजिए। इसको आप थोड़ा सा बड़ा करके भी यूज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके के मैच हो चुका है। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर फिर से कलर एडजस्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर कंट्रोल बी कर लेता हूँ कलर बैलेंस, थोड़ा सा रेड थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ और ब्लू थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर रेड को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ माइनस। देन उसके बाद फिर से कंट्रोल एम कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से इरेजर टूल ही यूज़ कर लेता हूँ। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा ब्रश साइज बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए बड़ी आसानी से एडजस्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए बड़ी आसानी से स्किन और फेस का कलर मैच हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल एल करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, लाइटिंग थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए बड़ी आसानी से आप इसको लिपस्टिक कलर चेंज करना चाहते हो तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। पेन टूल यूज़ कर लीजिए और यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्शन कर लीजिए।
यहाँ पर देखिए, देन उसके बाद मैं सेक्शन करता हूँ और यहाँ पर फेदर रेडियस मैं यहाँ पर 5 कर लेता हूँ। देन उसके बाद ओके पर क्लिक करता हूँ और ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, और उसके बाद आप यहाँ पर इमेज पर क्लिक कर लीजिए और एडजस्टमेंट पर क्लिक कर लीजिए, फिर से कलर बैलेंस पर क्लिक कर लीजिए। देन उसके बाद इस तरीके से आप जितना कलर आप यूज करना चाहते हो, यहाँ पर लिपस्टिक कलर आप यहाँ पर बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हो। आप जिस तरीके का यहाँ पर कलर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मैं यहाँ पर स्वीट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेड वाले, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए बड़ी आसानी से हो चुका है। देन आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा आईब्रो लाइट करना चाहते हो तो यहाँ पर ब्राउन टूल, डॉस टूल आप यूज कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर डॉस ब्राउन टूल यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको थोड़ा सा ब्लैक कर लेता हूँ इस तरीके से। ब्रश का साइज आप छोटा बड़ा करते हुए इस तरीके से यूज कर सकते हो आसानी से। और आईब्रो भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए बड़ी आसानी से ड्रेस चेंज हो चुका है। देन उसके बाद आप यहाँ पर इसको, इस इमेज और इस लेयर, दोनों लेयर को आप मर्ज कर लीजिए कंट्रोल ई करते हुए। और देन उसके बाद यहाँ पर आप सेट कर लीजिए। उसके बाद आपका पास जो भी बैकग्राउंड है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास एक बैकग्राउंड का इमेज है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस वाले बैकग्राउंड को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ फोटोशॉप के अंदर। देन उसके बाद इस इमेज को मैं यहाँ पर कंट्रोल ए करता हूँ सेलेक्टल और कंट्रोल सी करता हूँ कॉपी। देन उसके बाद ये पेज पर मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल वी करते हुए। देन उसके बाद यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ शिफ्ट प्रेस करते हुए, कंट्रोल टी करते हुए। आप जितना चाहिए आपको यहाँ पर सेट कर सकते हो, मैं इतना तक सेट करता हूँ। और इसको यहाँ पर इस लेयर को नीचे रख देता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से सेट हो चुका है। इसको आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो इस तरीके से। और इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा शैडो वगैरह देना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए ऐड लेयर ऑप्शन का ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर ड्रॉप शैडो के अंदर क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पर जितना आप शैडो देना चाहते हो तो दे सकते हो। यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो, शैडोज को साइज आप बड़ा कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर इस तरीके से इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ और इसको भी इस तरीके से डिक्रीज कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ड्रॉप शैडोज आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर आप राइट क्लिक कर लीजिए, क्रिएट लेयर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए क्रिएट लेयर करने के बाद आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लीजिए। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये लेयर आ चुका है। आप यहाँ पर रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल पर क्लिक कर लीजिए, इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। आपको जितना शैडो चाहिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर इतना तक सेलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर मैं फेदर यूज करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए फेदर यहाँ मैं मिनिमम 100 के आसपास कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर मैं डिलीट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए बड़ी आसानी से डिलीट हो चुका है। आप यहाँ पर कंट्रोल टी करते हुए इस शैडोज का आप थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आप जितना दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से शैडोज भी लग चुका है। और इसको और ये दोनों इमेज को आप मर्ज भी कर सकते हो कंट्रोल ई करते हुए। इसको आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो आप जितना चाहिए। दोस्तों आप भी इस तरीके से बड़ी आसानी से किसी भी इमेज को ड्रेस चेंज कर सकते हो, फुल ड्रेस चेंज कर सकते हो। आप लोगों के आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार।